क्षेत्र साबरमती रिवर फ्रंट से आपके साथ मैं हूँ प्राची पाराशर। गुजरात समर की बात हो रही है, गुजरात रणभूमि की लगातार चर्चा हो रही है। अब जब पहले फेज के चुनाव नजदीक आ गए हैं, उससे ठीक पहले किस राजनीतिक दल ने कैसा किया प्रचार, किसकी कितनी रही साख, इसी पर चर्चा आज हम करेंगे। कौन रहा ध्रुवीकरण करने में सफल और किसकी जो चाल थी वो रही बिल्कुल ही खराब, इस पर हम चर्चा करेंगे। किसने क्या कहा इन चुनावों में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कैसे हिंदू मुसलमान करने की कोशिश इस चुनाव में की गई, इस पर भी हम बात करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें, पहले आपको वो तमाम बयान सुनवा देते हैं जो इस चुनाव की सुर्खियां रही। किस नेता ने क्या कहा और कैसे इस चुनाव में पोलराइजेशन करने की कोशिश की, आप पहले सुनिए। कांग्रेसे अनेक वर्षो सुधी आ देश नी अंदर राज कर्यु, आ राज्य में राज कर्यु। कांग्रेस ना राज मा गुजरात मा विकास न तो देखातो, कोमी हुल्लड़ो थता, जाति जाति वच्चे, भाई भाई वच्चे लड़ाई लगाड़वानु काम कर्यो। अने हुल्लड़ो मा हमेशा वोट बैंक ने मजबूत करवानु काम कर्यो, बहु मोटा वर्ग ने अन्याय करवानु काम आ कांग्रेस पार्टी ने ना मर्त्यावे कर्यो। आ 2002 मा कांग्रेस आवे आदत पाड़ी थी एटले रमखाण थया था, पण 2002 मा एवो पाठ शीखवाड्यो के खोड भूली गया। 2002 थी 22 सुधी नाम ना ले सके गुजरात नी अंदर कोमी हुल्लड़ो करवा वाला ने कड़क हाथे पगला भरी गुजरात नी भारतीय जनता पार्टी नी सरकारे गुजरात मा अखंड शांति नी स्थापना करी छे। मित्रों, 30 वर्ष पहले जो बलिदान गोधरा में हुआ, भाइयों बहनों, राम भक्तों के बलिदान ने गुजरात को एक मॉडल के रूप में आगे बढ़ाया और गुजरात ने उस समय कर्फ्यू पर सदैव के लिए कर्फ्यू लगा दिया। अब कर्फ्यू नहीं लगता गुजरात में, दंगे नहीं होते गुजरात में, अब कश्मीर में धारा 370 कभी नहीं आने वाली। 20 वर्ष पहले इसी गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था और प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति, जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व मिल रहा है आज, इसका परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो आपने सुना, ये वो तमाम नेता जिनकी तरफ से कुछ ऐसे बयान दिए गए जिसके बाद ये लगा कि इस चुनाव में ध्रुवीकरण करने की भी कोशिश तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से की है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं खास मेहमान के शर्मा, बीजेपी से हमारे साथ हैं, हिमंग रावल जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं और इशरत हुसैन शेख AIMIM से हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। के शर्मा जी, सबसे ज्यादा आरोप अगर किसी पार्टी पर लगे तो आप पर लगे कि चुनाव में विकास से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ करती है तो ध्रुवीकरण की राजनीति सबसे ज्यादा करती है और अपने ऐसे नेताओं को उतारती है चुनावी मैदान में जो एक ऐसा संदेश देते हैं जिससे आपका एक वोट बैंक आपकी तरफ खिसकता है और चुनाव बढ़ जाता है, वोट बिखर जाते हैं। देखिए वासी जी, आरोप लगाना आसान है जब आपके पास सामने वाले जो विपक्षी पार्टी है उनके पास मुद्दे नहीं है। 27 साल से गुजरात की जनता ने उन्हें गुजरात से बाहर कर दिया, 6-6 चुनाव हरवा दिए, हर बार एक फोटो आप कराने के लिए वो खड़े जरूर होते हैं लेकिन जनता उन पर विश्वास नहीं करती, ना उनके नेताओं पर विश्वास करती, ना नीतियों पर विश्वास करती और उसके कारण ही अपनी विश्वसनीयता खोने के कारण से आज वो केवल गुजरात में नहीं पूरे देश के, यदि मैं परिप्रेक्ष्य में कहूं तो वो मात्र 2.5 राज्यों में सिमट कर रह गए हैं। तो जिनके नेतृत्व पर विश्वास नहीं है, जिनकी बातों पर विश्वास नहीं है तो वो क्या करें चुनाव में। तो खिसियाहट के ऊपर एक ही बात उनको दिखता है कि हम इसी तरह आरोप लगा दें। हम पर यह आरोप आज से नहीं लग रहे हैं प्राची, जब से जनसंघ बना और जब से भारतीय जनता पार्टी बनी तब से यह पेंट करने की एक कोशिश हुई है वामपंथी और एक कांग्रेसियों के द्वारा कि एक तरह का सांप्रदायिकता का थप्पा ठोक दें। लेकिन आज स्थिति क्या हुई कि उसी उस पर जिस तिलक लगाने पर हमको सांप्रदायिक कहा जाता था, जिस भगवा चादर पर
हमें सांप्रदायिक कहा जाता था, राम मंदिर के आंदोलन की हम बात करते थे, राम मंदिर निर्माण की बात करते थे, तो हमको सांप्रदायिक करार दिया जाता था। और आज वही चुप चुप के जो है मंदिरों में जा रहे हैं, चुप चुप के कहाँ जा रहे हैं केके शर्मा जी, वो तो सबके सामने जा रहे हैं। तो इसी पर आपत्ति क्यों है आपको? नहीं नहीं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ना कि जनता नहीं मानती ना, क्योंकि आप पाखंड करते हैं ना, आप पाखंड करते हैं क्योंकि आप लोग इसी पर हमको आरोपित करते थे, सांप्रदायिकता की बात करते थे, और आज वो विमर्श बदल गया। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था भारतीय जनता पार्टी का, जो हमारी विचारधारा का हिस्सा है, जिसके तहत हमारे जो पुराने सनातन गौरवमय संस्कृति के अधीन जो हमारे गौरवमय संस्थान है, उनका पुनर्निर्माण, उनका पुनरुद्धार करना, ये हमारा दायित्व है। तो आपका पैरामीटर क्या है? मैं हेमंत जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले आप बताइए आपका पैरामीटर क्या है? आप ये कैसे भाप लेते हैं कि कौन असली हिंदू है, कौन नकली हिंदू है, किसकी आस्था सच्ची है और किसकी आस्था नकली है? कौन सा पैरामीटर है आपके पास ऐसा? नहीं, बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया। पैरामीटर तो जनता है, हम नहीं है, पैरामीटर जनता है। जब आप कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिमों का है, तब जनता समझती है कि आप क्या है। जब आपका एक नेता यहाँ कहता है कि यदि हम शासन में आएंगे तो केवल जो है एक इलाके मुस्लिम इलाकों में ही हम हॉस्पिटल बनाएंगे, तो ये इससे समझ में आता है कि आपका क्या है। और दूसरी तरफ आप पाखंड जब करते हैं, अभी तक राम मंदिर का विरोध करते हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर आप प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, एफिडेविट जमा करते हैं और फिर अपने आप को शिवभक्त बताते हैं। चलिए, तो और अपना गोत्र इसी एक बात क्या के समाप्त करता हूँ, यही गुजरात चुनाव था, आपको याद होगा जनेऊधारी एक हिंदू देखा हमने, कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल के जनेऊधारी हिंदू बन के फिर रहे थे यहाँ पर। तो आपके ये पाखंड, आपके ढोंग, ये जनता देखती है और समझती है और अपना निर्णय भी देती है। हेमंत जी, ध्रुवीकरण का आरोप आप लाख लगाते रहिए बीजेपी पर, लेकिन ये आरोप तो आप पर भी लगते हैं, क्योंकि AIMIM और आम आदमी पार्टी के बाद एंट्री के बाद सबसे ज्यादा अगर वोटों में बिखराव का खतरा है तो आपको अपने वोट बैंक को है, और यही वजह है कि ऐसे बयान आए हैं जिससे लग रहा है कि ध्रुवीकरण करने में आप भी पीछे नहीं है। देखिए, कल गुजरात में प्रथम तबक्का का जो फर्स्ट फेज का मतदान है 89 सीटों में हो रहा है, 788 पूरे मिला के सब उम्मीदवार है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये मतदान जैसे 2017 में हुआ था, तब भाई हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हम लोग देश को हिंदू मुस्लिम में बांटना नहीं चाहते हैं, फिर भी मैं बताना चाहता हूं, गुजरात के 10 बड़े धर्मस्थल जिसमें डाकोर आ गया, भगवान श्री कृष्ण की नगरी आ गई, जिसमें अंबाजी आ गया, 10 बड़े जो धर्मस्थल है, सोमनाथ महादेव आ गया, 10 धर्मस्थल की 10-10 सीटें जो है वो कांग्रेस ने जीती थी। क्यों जीती थी? वहां पे अभी कांग्रेस के MLA हैं। लास्ट टाइम पे हम यहां पे कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करते, धर्म मेरी आस्था का सवाल है। राहुल गांधी जी और राजीव गांधी जी ने राम मंदिर के दरवाजे खुलवाए थे, सुप्रीम कोर्ट का, भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हमने राम मंदिर बनवाया नहीं, कांग्रेस ने स्पष्ट कहा था सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है वो हमारी सर आंखों पे है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब राम मंदिर बनाए, उसी राम मंदिर में मेरे जैसे हेमंग रावल जैसे छोटे छोटे लोगों की हमने भी यहाँ पे राम मंदिर में दान दिया हुआ है, हमारी आस्था से दिया हुआ है। दूसरी बात, हमारे घरों में सुबह दिए जलाए जाते हैं, तुलसी के सामने भी हम दिए जलाते हैं, तुलसी माता के सामने मंदिर में भी जाते हैं, लेकिन वोट लेने के लिए हम हमारे धर्म का उपयोग नहीं करते, और हमें किसी भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें सनातनी हिंदू होने का सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी ने दिया है हमें। लेकिन हमें जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का आरोप आप पर लगता है, इस पर आप क्या कहिएगा? आपके जो कैंडिडेट हैं जो चुनावी मैदान में, उनको क्या जरूरत है कि आप मजहबी नारे लगवाएं, या फिर आप ये कहने लगे कि इस देश का कोई उद्धार कर सकता है तो एक विशेष वर्ग कर सकता है, और उसका उद्धार कोई कर सकता है तो कांग्रेस कर सकती है, ये कहने की जरूरत क्या है? देखिए, मैं पहले भी बताता हूँ, इन्होंने बहुत बोला कि मंदिर हम पहले से जा रहे हैं, अभी से जा रहे हैं, अभी नहीं जा रहे हैं। इंदिरा गांधी जी अपने हर चुनाव, अंडरलाइन करके बोलता हूँ, हर चुनाव की शुरुआत है वो अंबाजी मंदिर से दर्शन करके जाती थी। हमने अंबाजी मंदिर में, हमारे बहुत से नेता दर्शन करने के लिए आते थे, हमारे लिए वो आस्था का स्वरूप है, लेकिन हम जो है देश को बचाने के लिए
भारत जोड़ने के लिए जब राहुल गांधी जी निकले तो गुजरात इलेक्शन की बात करते, ये कभी भ्रष्टाचार पे नहीं बोलेंगे, ये कभी गुजरात की बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे, इनको ये सब बातें करके ट्विस्ट करके ले जाना है। तो हेमंत जी ट्विस्ट कौन कर रहा है, सब देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, आपके बड़े नेता क्या बयान दे रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, आप लाइए ना इनको, विकास पर बात करिए, ज्यादा बेहतर होगा। हमने किया हुआ है प्राची जी, इतना समय देना जितना केके जी को दिया है। एक लास्ट बात मुझे बोल देने दीजिए, बाद में केके जी को मैं बीच में नहीं बोलूंगा। गुजरात के अंदर हमने तो बोला हुआ है कि 40 लाख लोग बेरोजगार है, हम 10 लाख लोग नौकरी 10 लाख लोगों को नौकरी देने वाले हैं। ठीक, लेकिन इन मुद्दों पर बात होती नहीं है हेमंत जी, मैं इसलिए आपको बीच में रोक रही हूँ। जो है जो बयान आते हैं ना, वो इससे इतर आते हैं। हेमंत जी रुकिए जरा, मुझे छोटा सा रिएक्शन केके शर्मा जी का लेने दीजिए, फिर ऋषभ जी इंतजार करें। मैं जल्दी से आपको दो तीन चीजें याद दिला, राम मंदिर की बात, यही गुजरात की वो पुण्य भूमि है। गुजरात के भ्रष्टाचार पे बोलिए, गुजरात के पुण्य, प्राची जी ने बताया मुझे, बीच में नहीं चर्चा, आज जिस बात पर बुलाइए हेमंत जी उसी बात पर चर्चा कर लेते हैं। बोलिए बोलिए, और बीच में प्लीज मत बोलिएगा, मैं इसलिए करूँ, मैं भी आंसर दूंगा, चलो मैं भी ऐसे ही खड़े कर, मैं गुजरात, मैं गुजरात की उसी पुण्य भूमि पर खड़ा हूँ प्राची जी। जिस सोमनाथ मंदिर से राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हुई थी और वहाँ से वो यात्रा निकली थी, और जिस रात यात्रा को जाकर जो है बिहार में इन्हीं के मित्र लालू प्रसाद यादव के माध्यम से रुकाने की कोशिश हुई, और यही नहीं, हमने तो कार सेवा भी किया, हमने तो आंदोलन भी मंदिर के लिए किया। ठीक, हमने अपने चार चार सरकारें, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, इस गुजरात में भाजपा की सरकार थी, एक पत्थर नहीं चला, लेकिन गुजरात में सरकार क्यों गिराई गई भाजपा की, इसीलिए नहीं, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि इतिहास बताता है कि ये हमेशा से राम मंदिर के केवल विरोधी ही नहीं रहे, हमने वकील लगाए, वहाँ चुनाव लड़ा, वहाँ पर केस लड़वाया, यही नहीं, यही कांग्रेसियों ने भगवान राम पर अस्तित्व उठाया, उनके अस्तित्व, ठीक है सर, ये रिपीट हो रहा है, मैंने आप इस बात को बोल चुके हैं, आज भी एक बात करके समाप्त करूंगा कि आज ये आज चुनाव ये नहीं लड़ पा रहे हैं, खिसियानी बिल्ली की तरह खंभा नोच रहे हैं, इसके लिए इनके बड़े बड़े नेता आज मोदी जी को जो गुजरात के लाल है अगर बयान दिए जाते हैं कि रुक जाइए, केके शर्मा जी एक सेकंड, नहीं हेमंत जी पहले वो इंतजार कर रहे हैं, अरे मैं आपको भी दे दूंगी सर, अभी तो चर्चा शुरू हुई है, इशरत जी इंतजार कर रहे हैं, तीसरा मोर्चा है, रुक जाइए जरा, मीम की बात भी आने दीजिए, वो तो सबसे ज्यादा बात, पहले सवाल तो सुन लीजिए, तब आरोपों का जवाब दीजिए। सवाल ये इशरत जी, सबसे ज्यादा अगर हिंदू मुसलमान की बात की जाती है तो खुलकर आपके मंचों से की जाती है, सबसे ज्यादा आप करते हैं, सिर्फ अपने हिस्सेदारी की बात करते हैं कि हमारा मान ले गुजरात में 13% वोट है, तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो सबको प्यार से बहुत मीठी मीठी बातें करती है कि हम हमारे लिए सब एक हैं, तो हमको इतना रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं मिलता? कांग्रेस भी हमको 26 सीट में से एक सीट नहीं देती पार्लियामेंट के अंदर, 182 में से हमारे 13% पटेल को कितनी सीट मिलती है और 13% मायोरिटी को कितनी मिलती है? हम अपने सिर्फ हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, हम किसी धर्म के किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे। दूसरी बात, जो टॉपिक है आज का वो मुद्दों की बात है, मुद्दे इसलिए लाए जा रहे हैं कि ये जो भड़काऊ भाषण और ध्रुवीकरण हो रहा है वो इसलिए हो रहा है मुद्दों से भटकाने के लिए। नहीं तो बीजेपी साहब भी तो मंचों से यही बात करते हैं। सुनिए प्राची मैम, सुनिए, बीजेपी ने सरकार में आने से पहले, इलेक्शन से पहले कुछ कमिटमेंट करे थे, उसमें था काला धन लाएंगे, उसमें था दाऊद इब्राहिम को लाएंगे, दाऊद इब्राहिम को नहीं लाए, नाम ईवीएस से चीते ले आए, उसमें 2 करोड़ रोजी रोटी की बात थी, उसमें बेरोजगारी दूर करने की आगे बीच में चीते से आपको क्या आपत्ति हो गई? मैं बता रहा हूँ कि वो ये तो देश का दौरा पड़ रहा है ना, वो काम इशरत जी पहले आप डिफरेंशिएट करिए, आप डिफरेंशिएट करिए कि कौन सा देश हित में है और कौन सा देश हित में नहीं है। सर विरोध करने के लिए विरोध मत करिए इशरत जी, अब इसमें चीते कहाँ से आ गए? फिर आप कहेंगे कि आप गुजरात की बात नहीं कर रही है, फुलफुल नहीं किए इसलिए भटका रहे हैं मुद्दों से बातों को, तो देश का गौरव नहीं बढ़ रहा चीते आने से? हाँ, चीते आने से गौरव बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ रहा। दाऊद इब्राहिम को लेकर आता तो गौरव बढ़ता, मैं छाती ठोकता। ठीक है, दाऊद इब्राहिम को लेकर बात कर लेंगे। रावल जी आप इस बात का जवाब दे रहे थे, सब तो पहले सवाल सुनने, इनके आरोपों का भी जवाब दीजिएगा। सवाल इसी बात को लेकर है कि कांग्रेस के नेता सबसे ज्यादा ऐसे बयान देते हैं जिससे मुद्दे भटकते हैं, और फिर आप कहते हैं कि गुजरात पर बात नहीं होती, गुजरात के मॉडल पर बात नहीं होती, तो आप लोग सही मत रहिए, अपनी जबान पर कंट्रोल रखिए ताकि मुद्दों पर ही चर्चा हो सके। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं पड़ती है, हमने बहुत सुना, हमने संसद में मोदी जी को रेणुका चौधरी को सुपड़खा देखे बोलते हुए सुना है,
हमने हमने अरे भाई आप बात में मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप बीच में मत बोलिए ना, डेकोरम कराइए, डेकोरम कराइए। हमने 50 लाख की, हमने 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोलते हुए मोदी जी को सुना हुआ है, हमने बाथरूम में नहाते हुए बात करते हुए हमारा प्रधानमंत्री के सामने बोलते हुए सुना हुआ है। अब गुजरात की बात करो, इनके नेता जो है इनके हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन तक बोल दिया है। इनका खून खून और हमारा खून पानी, ये जो बात है ताली एक हाथ से नहीं पड़ती है, ताली दो हाथ से पड़ती है। हमने इनको कुछ नहीं बोला हुआ है, ये सिर्फ अपने आप ये लोगों से पुरानी बातें बोल रहे हैं। अब पुरानी बस 2002 की बात बोल रहे हैं। आप बोलो, आपने बताया कि देश का गौरव चीते लाने से नहीं आता है, लेकिन देश का गौरव क्या दूध और दही पे 5% GST लगाने से होता है? देश के लोगों का गौरव क्या 3,000 रुपया तेल का डब्बा जो गुजरात में सिंगतेल पकता है उसके हो जाने से होता है? देश का गौरव क्या 1,200 रुपया का एक गैस का बाटला आता है उससे होता है? गैस का गौरव यहाँ पे 22 पेपर फूटे है, ये नौजवानों को पूछिए, इनकी पूरी जिंदगी चली गई। हिमंत जी, जब से हमने चर्चा शुरू की है आप ही मेरे साथ कई बार चर्चा में रहे। हिमंत जी सुनिए, इसका गौरव हमने बनाया था, IIM बनाया था, IIT बनाया था, सर कांग्रेस की उपलब्धि है, तभी आप 27 साल से सत्ता में वापस नहीं आ पाए, आप जनता को बता नहीं पाए। सुनिए मेरी बात, पहले सवाल नहीं सुनेंगे आप तो चर्चा नहीं हो पाएगी। सवाल इस बात को लेकर है, जब इतनी सारी चीजें और मैं और आप रोज चर्चा में बैठते हैं, आप मुद्दे उठाते हैं, लेकिन आपका जब शीर्ष नेतृत्व आता है, आपके अध्यक्ष आते हैं, तो क्यों रावण का जिक्र ले आते हैं? आपके प्रत्याशी क्यों कह देते हैं? एक सिंबॉलिक बात कही है उन्होंने, बेरोजगारी का रावण नहीं है, लोगों को बेरोजगार नहीं। सर ये नहीं कहा, पहले बयान सुनते तो आप ये बात नहीं करते। प्रचार प्रसार की बात हो रही थी रावल जी, प्रचार प्रसार की बात हो रही थी रावल जी, वहाँ महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं हो रही थी, वहाँ महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं हो रही थी। खैर, के शर्मा जी के पास जाइए, ये लोग बोल रहे हैं, जो अपनी बात कर रहे हैं, ये हमारे खिलाफ हमारे नेता के खिलाफ बोलते हैं, इनके जीतों। ठीक है, मैं जवाब लूं। के शर्मा जी, पहले सवाल के बारे में बोला था, सवाल इस बात को लेकर है जो आप पर आरोप लगते हैं। आप पहले तो ऐसे नेताओं को लेकर आते हैं जो संयमित बोलते हैं, फिर एंट्री होती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, एंट्री होती है हेमंत बिस्व शर्मा की, जो सद्दाम हुसैन जैसा शब्द ले आते हैं, दिल्ली के केस की चर्चा गुजरात में करते हैं, ये ध्रुवीकरण नहीं है तो क्या है? मैं बता देता हूँ, पहले तो मैं गुजरात की, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि रावण बोलना जो है ये सही बता रहे थे, रावण जो है देश के सबसे लोकप्रिय जो नेता है और देश के जो प्रधानमंत्री है माननीय श्री मोदी जी, आज खड़गे साहब ने उनको 100 मुख का रावण बोला है, तो गुजरात के लाल को रावण बोलना, एक गुजरात की कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है, इसको जो है अंडरलाइन करके समझना चाहिए। यह भी याद रखना चाहिए कि मधुसूदन मिस्त्री ऐसी गुजरात के लाल जो आज विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, उनको औकात दिखाने की बात करते हैं, ये इस तरह इनका है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि ये केवल गुजरात का ही अपमान नहीं है, ये गलत है। बीच में नहीं तो चुप हो गए थे रावल जी, बीच में बोले थे तो चुप हो गए थे, बीच में नहीं रावल जी। देखिए ये प्रवृत्ति हो गई है आप लोगों की, आप आकर चर्चा खराब करते हैं, चर्चा खराब नहीं करने दूंगी गुजरात किसी को भी। गुजरात के मान और सम्मान आज जो मोदी जी हैं, उनको औकात दिखाने की बात करते हैं, ये गुजरातियों का ही अपमान नहीं है, ये पूरे जो है 130 करोड़ भारतीयों का अपमान है जिस बात को ये लोग कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये केवल आप बीच में मत बोलिए, अभी सुनिए पूरा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि गुजरात के लाल का अपमान करने वालों को एक बार पुनः जवाब देने की जरूरत है यहाँ, क्योंकि इस तरह के लोग तो जो कि केवल गुजरात का ही सम्मान नहीं, और यही अभी महंगाई की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ राजस्थान में आपने पेट्रोल के ऊपर टैक्स क्यों नहीं कम किया? आपकी सरकार थी ना वहाँ पे, 5 रुपया केंद्र सरकार ने कम किया, राज्य सरकारों ने अपने जहाँ पर मेरे सवाल का जवाब नहीं आया के शर्मा जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। अब ये बताइए, हेमंत बिस्व शर्मा आते हैं, वो लव जिहाद का मुद्दा ले आते हैं गुजरात में उठाकर, आप गोधरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रचार प्रसार कराते हैं, ये मुद्दे लाने की आपको जरूरत क्या? दिल्ली के केस की चर्चा आप गुजरात चुनावों में क्यों कर रहे हैं? मुझे एक चीज बताइए प्राची जी, क्या गुजरात जो है भारत का हिस्सा नहीं है? जो घटनाएं देश में घट रही है क्या उसका प्रभाव गुजरात में नहीं होता है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या गुजरात अलग है क्या भारत से? क्या करना चाहते हैं लोग? क्या यही कांग्रेसी है जिस समय अमित भाई साहब और जिस समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाकर प्रचार कर रहे थे, तो ये गुजरात का अपमान करते थे, ये कहते थे गुजरातिया के आपको सिखाएगा,
इस तरह का अपमान की भाषा करने वाले आज जो है और उसी तरह से अपमान फिर कर रहे हैं। ठीक, वहाँ उत्तर प्रदेश जाओ तो अपमान, यहाँ आओ तो अपमान। चलिए रावल जी, इस तरह रावल जी भावना विकास के मुद्दे पे लड़ने के लिए क्या आप नहीं समझ पाते हैं, हमें समर्थन दे रही है रावल जी, क्या आप नहीं समझ पाते हैं कि कोई भी मुद्दा, कोई भी आप डायलॉग यूज करेंगे वो सीधा गुजरात अस्मिता से जुड़ जाएगा और उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। जब जब आपके नेताओं ने बयानबाजी की है आपको मुंह की खानी पड़ी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहला, दो दिन पहले डेडियापाड़ा में जेपी नड्डा जी ने ये बोला कि देश को गांधी जी ने आजादी दिलाई, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने बोला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के रजवाड़ों को एक किया और नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात बनाया। क्या गांधी जी और सरदार के साथ नरेंद्र मोदी की तुलना करना योग्य बात है? यहाँ पे हमने जो औकात वाली बात बोली थी वो सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम जो बना था उसका नाम इन्होंने बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। हमने बोला कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने इनकी औकात बता देगी जनता, हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की थी, ये पहली बात है हमारी। तो औकात की बात ये मत भूले, ये ही अपने आप को नरेंद्र मोदी जी को भगवान राम का अवतार बोलते हैं, हर हर मोदी बोलते हैं। हमारे धर्म में कभी काले माथे वाले लोगों को भगवान नहीं मानते, हमारे लिए भगवान शिव है, हमारे लिए भगवान कृष्ण है, हमारे लिए भगवान राम है। ये लोग जो है यहाँ पे ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, कोई बात नहीं चलने वाली है। हाँ। यहाँ पे कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई है ही नहीं, यहाँ पे 40 लाख लोग बेरोजगार है तो उसमें सब है, हिंदू है मुस्लिम है सिख है ईसाई है। यहाँ पे महिलाएं को महंगाई नड़ती है, सबको नड़ती है, तो महिलाएं वो भी सब है। यहाँ पे जो खेडूत है मतलब तो जो फार्मर है बात करने से रोका किसने है राहुल जी, जब चुनाव सर पर आ गए जनता पार्टी पूरा जब चुनाव सर पर आ गए यहाँ पे कोई जब चुनाव सर पर आ गए राहुल जी पहले बात सुनिए सर, पहले सर सवाल सुनिए। जब चुनाव सर पर आ गए तभी आपके चुनाव के मुद्दे बदल गए, आपके शब्द बदल गए, हिंदू मुसलमान की बातें इंक्लूड होने लगी। आपके ही तो प्रत्याशी थे ना जिनकी तरफ से दो बयान ऐसे सामने आए, तो चंदन ठाकुर हैं, आप हालांकि कहेंगे वो पुरानी वीडियो है, आप कहेंगे वो पुरानी वीडियो है, हाँ ठीक है वो पुरानी वीडियो है, हर बार ऐसी टेपे चलाता है। इनकी एक दूसरी बात है, इन्होंने बोला पहले तो मीडिया को घसीटना बंद कर दीजिए रावल जी, आपके नेता बयान देते हैं मीडिया दिखाएगा, आप बयान दीजिए, आप विकास की बात करेंगे तो हम विकास की बात भी करेंगे, जी हम विकास की भी बात करेंगे, लेकिन आप ऐसे आक्षेप मत लगाइए। नहीं पहला मेरा आंसर मुझे पूछा है, अरे मुझे पूछा है, बाद में देखिए बात क्या बताइए, पहले मुझे नहीं देखिए किसी के लिए नहीं बोलेंगे आप, मेरे मेहमान के लिए ऐसे नहीं बोलेंगे, मेरा आंसर नहीं कोई मत करिए, ऐसे आप ऐसे किसी मेहमान के लिए के शर्मा से आप नहीं बोलेंगे। मैं आपको बताता हूं, नहीं पहले मेरा जवाब देना चाहता हूं, मैं जवाब दे पूछना चाहता हूं, क्या गुजरात में महंगाई नहीं है तो मेरा जवाब दे देते, आप बोलिए बाद में, नहीं तो बाद में बोलिए ना। देखिए इन्होंने बताया कि हमने यहाँ से राम का रथ निकाला था, अरे भाई हमारी जनता ने गुजरात की जनता ने आपको वहाँ पे पैसे दिए थे, सोना दिया था अडवाणी जी की, उसी गुजरात की जनता, उसी गुजरात की जनता को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या बयान दिए गए, इस बात का भी जवाब दीजिएगा। स्वागत है आपका, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप, लगातार ये बड़ी बहस जारी है साबरमती के किनारे से, गुजरात के मुद्दे क्या हैं, गुजरात में कौन कर रहा है ध्रुवीकरण, इसी को लेकर लगातार ये बड़ी बहस जारी है। मेरे साथ मेरे तमाम खास मेहमान भी बने हुए हैं। केके शर्मा जी, सवाल इसी बात को लेकर है कि जब भी ध्रुवीकरण की बात आती है, अब अमित शाह अगर यहाँ पर आते हैं तो 2002 के दंगों का जिक्र जरूर करते हैं, सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि आप 22 में 2002 की याद क्यों दिला रहे हैं, ये ध्रुवीकरण नहीं तो क्या है? राची जी, मैंने इसके पहले जवाब आपको दिया, और ये भी एक सत्य है कि जब आप इतिहास जानते हैं तभी आप भविष्य के लिए सबक लेते हैं। आपको मैंने कहा कि यहाँ एक पीढ़ी बदल गई, 25 साल बीत गए, एक पीढ़ी को यह पता ही नहीं है कि यहाँ पर अहमदाबाद में हालात क्या होते थे, यहाँ किस ढंग से जो है असुरक्षा की भावना थी, यहां आए दिन दंगे होना, 365 दिनों में 265 दिन दंगे हुआ करते थे, और पूरा अहमदाबाद अस्त व्यस्त, माताएं अपने घरों में के जो व्यापारी भाई थे वो लोग के वापसी के लिए माला फेरती थी कि किसी तरह सही सलामत घर आ जाएं, पतंग उड़ाने पे दंगे, किसी के यहां पानी फेंक दिया उसमें दंगे, और यात्रा निकल गई सोमनाथ की तो भी, रथ यात्रा निकल गई तो भी उसमें दंगे, आए दिन दंगे। तो उसको आने के बाद जब से मोदी जी ने यहां का नेतृत्व संभाला, इसके बाद से ये दंगों का दौर इस देश यहां से समाप्त हो गया, और आज सुरक्षा और शांति के कारण से आज गुजरात का व्यवसाय आप देखिए किस तरह से विश्व स्तर पर यहां के व्यवसायी आगे बढ़े हैं,
और व्यवसाय कर रहे हैं, सुख और समृद्धि और शांति है। मैं इसलिए कहता हूं कि ये याद दिलाना ही पड़ेगा कि कैसा विनाश का काल था और कैसे विकास का काल आया। इस जिस जगह हम खड़े हैं प्राची जी, यही साबरमती रिवर फ्रंट है। आज पूछिए ये किसके समय में बना और इसका किसने, यही कांग्रेसियों ने इसका विरोध किया। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं, सुबह सुबह यहाँ पर जो है युवा बुजुर्ग महिलाएं यहाँ भ्रमण करती हैं, यहाँ योगा करती हैं, यहाँ बच्चे साइकिल चलाते हैं, यहाँ किस तरह से जो है इसका डेवलपमेंट हुआ ये किसने किया, मैं इसलिए कहना। और उसके पहले उसका क्या कर रहे थे कांग्रेसी, इसका विरोध करते थे। इस साबरमती का की हालात क्या थे, तो ये सब याद तो दिलाने पड़ेंगे ना हमें, तो मैं इसलिए आपको तो विकास की तुलना तो ऐसे ही होगी ना। रावल जी भूल गए थे कि आप ये विकास ये दिखता नहीं आपको साबरमती रिवर फ्रंट, और इसका विरोध क्यों? के जी तो हमारे मेहमान है, उनको मालूम नहीं है रिवर फ्रंट की शुरुआत गुजरात कांग्रेस के मेयर हिम्मत सिंह पटेल ने की थी, प्रोजेक्ट मंजूर किया था, इनको मालूम नहीं है हमने विरोध नहीं किया था। हाँ हमने यहाँ पे देखा था इसी जगह पे, यही साइड में प्राची जी आपकी लेफ्ट साइड में यहाँ से एक सी प्लेन उड़ा था, करोड़ों रुपया खर्चा करके सी प्लेन उड़ा था, मोदी जी उसमें बैठे थे। सी प्लेन का यहाँ प्रॉपर एरोड्रोम भी बनाया गया है, अभी वहाँ कुत्ते बिल्लियाँ घूमते हैं, सी प्लेन यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। ये लोग डर की बात करते हैं, लोगों को डरा धमका के रखना चाहते हैं, डर के माहौल से बाहर निकलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि गुजरात के युवाओं को रोजगारी मिले जो इन्होंने नहीं दी है, हम चाहते हैं कि गुजरात के जो कर्मचारी है उनको कॉन्ट्रैक्ट पद्धति से मुक्ति मिले जो इन्होंने नहीं दी है। वो लोग हाईकोर्ट में गए थे फिर भी आपने कहा है कि डरा के रखना चाहते हैं, जरा समझाएंगे मुझे कि आपको कैसे लग रहा है कि गुजरात की जनता को बीजेपी की पार्टी बीजेपी की सरकार ने डरा के रख रखा है। आपको EIMM के हमारे साथी यहाँ बैठे, इन्हीं के एक नेता दानिश कुरेशी जी ने भगवान शिव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, गुजरात कांग्रेस ने उसी समय प्रेस नोट निकाल के उनको पकड़ने के लिए धरपकड़ करने के लिए मांग की थी, इन्होंने एक भी प्रेस नोट नहीं निकाली, पहली बात। क्योंकि उसी समय पे भारतीय जनता पार्टी के लोग AIMM को एजिटेशन देने के लिए परमिशन दे रहे थे, तंत्र परमिशन दे रहा था, हमें परमिशन नहीं मिलती थी बेरोजगारों के सामने। ये यहाँ की परिस्थिति है, ये अगर मोबाइल टावर भारतीय जनता पार्टी है तो वो मोबाइल टावर का पोस्टपेड वर्जन है वो आम आदमी पार्टी है, और जो प्रीपेड वर्जन है वो AIMM है की बात बता रहे हैं। जनता कैसे डरी हुई है ये मुझे समझ में नहीं आया। परेशानी है, जनता अपनी परेशानी देखकर वोट करने वाली है। हाँ। जनता को मालूम है कि उनको जो पेट्रोल के दाम है वो बढ़ गए, आपने शब्द का इस्तेमाल किया था डरी कैसे, पहले मुझे ये बता दें खाने की किल्लत हो रही है, डरी हुई कैसे जनता, बीजेपी ने कैसे डरा रखा है इसका जवाब नहीं आया। खैर इशरत जी आप खुद सबसे ज्यादा ऐसी टिप्पणी करते हैं, भड़काऊ जितने बयान होते हैं वो आपके नेताओं की तरफ से दिए जाते हैं, और आरोप आप बीजेपी कांग्रेस पर लगा देते हैं कि ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, आप क्या करते हैं फिर? देखिए पहले तो मैं सबसे पहले बता दूं, मैं फिर कहना चाहता हूं कि हकीकत से ध्यान भटकाने के लिए दोनों लोग कर रहे हैं इस तरह की बातें। ये कोई सवाल क्यों नहीं करता कि आपने गुजरात में कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, आपने गुजरात में कितने हॉस्पिटल बनाए, IIM सेप्ट और MBBS की फीस कितने गुना बढ़ गई, इन मुद्दों पे बात नहीं करते ये लोग, और ना ये विरोध करते कि पहले सेप्ट के अंदर एक गरीब बच्चा पढ़ सकता था, आज पढ़ना उसका मुश्किल हो गया, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पोजीशन है। आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स बन रहे हैं जो 5-स्टार लेवल के हैं, जिसमें एक मिडिल क्लास आदमी क्या अपर मिडिल क्लास भी अपना पैसा नहीं भर सकता। आज शिक्षा का निजीकरण कर दिया इन लोगों ने, आज बड़े बड़े जो घराने हैं औद्योगिक घराने वो उनके इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, उसमें फीस बहुत महंगी है, उस पर तो कोई बात ही नहीं करते लोग, ये तो घुमा देते हैं इस पे, हिंदू पे मुस्लिम पे दंगे पे उसी पे घुमा रहे हैं ये। तो वैसे जी जब आते हैं गुजरात में तो वो क्या करते हैं, आपके बड़े बड़े नेता क्या करते हैं? आप तो सबसे ज्यादा मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपने स्पीचेस में, फिर आप सबकी बात करिए ना, आप जो ये फीस की बात कर रहे हैं, आप गुजरात में दिक्कतों की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए तो नहीं है, ये तो सबके लिए होगा। फिर हमने दलितों के भी मुद्दे उठाए कि किस तरह मरी हुई गाय का चमड़ा निकालने पे उसको मारा गया, हमने वो भी मुद्दे उठाए कि घोड़ी पे चढ़ने पर दलितों को मारा गया, हमने आदिवासियों के भी मुद्दे उठाए कि किस तरह आदिवासियों की जमीनों जो है 13 सीटों में आपने 11 उम्मीदवार मुस्लिम बनाए, आप दलितों की बात कर रहे हैं, जो सीटें रिजर्व है वहाँ पर आपने दलित उम्मीदवार दिए। आप अगर इतने ही दलितों के पक्षकार थे तो आपको बराबर की हिस्सेदारी देनी चाहिए थी ना। उम्मीदवार में 4 सीट थी, उसमें हमने 1 सीट दी, वीना बहन परमार जीत के आई,
24 दिन का टाइम मिला था। अरे मैं विधानसभा की बात कर रही हूँ, अभी जो 13 उम्मीदवार अभी आपने उतारे, दो उम्मीदवार आपने से दलित, वो भी रिजर्व सीट। अब हमारा संगठन नहीं बना, हमको एक साल हुआ है अभी, तो मुस्लिम को देंगे दलित को नहीं देंगे, ये कैसे हिस्सेदारी दिलाएंगे सर? यही आपका चेहरा आ गया। संगठन बन जाएगा तो कोई अच्छा पटेल आएगा, कोई शाह आएगा तो आएगा, हम गले लगाएंगे। हमें किसी से नफरत नहीं है, हमारा दिल तो बहुत बड़ा है। दिख रहा है सर, वो आपकी लिस्ट में नजर आ रहा है। केके शर्मा जी, विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, सीधा आरोप रावल जी का आप पर है। नहीं, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। केवल एक दो मुद्दे, क्योंकि मैं विकास के काम गिनाऊंगा तो ऐसे मुझे 10 डिबेट करने पड़ेंगे। लेकिन अभी इन्होंने मेडिकल कॉलेज और शिक्षा की बात उठाई कि एक यूनिवर्सिटी, जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ 17 यूनिवर्सिटी थी, आज 113 यूनिवर्सिटी हो चुकी है आज यहाँ पर जो है गुजरात में। मेडिकल कॉलेज जो है, जब हम यहाँ आए थे तो केवल यहाँ पर 8 वर्षों में हमने 12 नए मेडिकल कॉलेज यहाँ खोले, लगभग 1752 जो है कॉलेज खोले हैं, जो अब उसकी संख्या 3200 से ऊपर चली गई है टोटल कॉलेज की। तो ऐसे यदि मैं आपको आंकड़े बताऊं तो ये तो बहुत लंबे फेरिस्त है, मैं पूरा आंकड़ा आपको सुना सकता हूं। लेकिन अब क्योंकि आपके डिबेट का सामान, मैं उस विषय पर आ जाऊं जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बड़ी बड़ी दावेदारी कर रहे हैं। अरे इनकी सेना जो कांग्रेस की खड़ी है तैयार होके, और सेनापति फरार है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कोई सब गायब है। इसलिए गायब है क्योंकि उनको डर लगा हुआ है। नहीं है ये वर्ड, अच्छा नहीं है। देखिए नहीं, फरार ये वर्ड बोलना अच्छी बात नहीं है। सुन लीजिए, ये अच्छी बात नहीं, आप आपत्ति जताइए। हाँ, ये आपत्ति है मेरी। नेशनल टीवी चैनल पर हमारे राहुल गांधी को फरार बोलते हैं। अरे भाई नहीं, क्यों बोल रहे हो आप ऐसा? फरार नहीं, क्यों क्यों फरार है? अरे फरार कौन है वो हमें मालूम था, यहाँ से तड़ी पार। अरे बीच में मत बोलिए सर, मंत्री फरार कीजिए। आप भी रुक जाइए रावल जी, प्लीज। आएगी चार, हमारे हम आपके सामने करेंगे। शांत हो जाइए सर, आपके पास आऊंगी, आप आपत्ति दर्ज करवाइएगा। बोलिए के शर्मा जी। इतना इनको याद दिला दूं कि सोनिया गांधी माँ बेटे दोनों जेल से बेल पर हैं। हाँ तो याद रखिए इसको। अरे आपके वड़ाप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने मानसी की जासूसी करवाई थी, मानसी सोनी की। अब यहाँ पे आप शर्म आनी चाहिए आपको, आप कैसी बातें करते हो? आपके आपके गृह मंत्री जो है अभी, वो कहाँ पे थे? वो भी बेल पे थे, वो भी तड़ी पार थे। आप अभी ऐसे, आपके जो यहाँ के प्रमुख है उनके ऊपर 107 केस लगे हुए हैं, आप क्या हमें बताओगे? रावल जी, हम सब खामोश हो जाते हैं। रावल जी, हम सब खामोश हो जाते हैं, आप ही बोल लीजिए फिर। गरिमा का ख्याल सब रखे। आपके पास आऊंगी, आप बता दीजिएगा कि इन्होंने कौन सी गरिमा पार कर दी। पहले इंतजार तो करिए अपनी बारी का, डिबेट मत खराब करिए। बोलिए के शर्मा जी, कंप्लीट करिए। इतने बौखलाए हुए हैं, इतने इस्तेमाल करें सब कि इनके नेता अभद्र बोल रहे हैं, यहाँ डिबेट में प्रवक्ता अभद्रता के साथ पेश आ रहे हैं। इतनी बौखलाहट हार की क्यों है भैया? 27 साल बाहर रहे हो, अभी भी बाहर रहे ना। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो जोड़ो की बात कर रहे हैं, भारत तोड़ो के लोगों को लेकर साथ घूम रहे हैं। कन्हैया जो है, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, आज इनके नेता उनसे कह रहे हैं जयराम रमेश कि कांग्रेस में राहुल के बाद यदि कोई दूसरा जो है नेता है तो वो कन्हैया कुमार है। मेघा पाटनेकर जिसने यहाँ पर साबरमती रोकने के लिए इतने दिनों तक गुजरात के लोगों को पानी से मनहूर रखा, आज उसके कंधे में हाथ रखकर घूम रहे हैं। राहुल गांधी उसको उसमें लेके चल रहे हैं। तो ये भारत तोड़ने वाले लोगों के साथ लेके, और केवल क्यों नहीं आ रहे हैं गुजरात, ये भी मैं बता दूं आपको, क्योंकि वो जनता का सामना नहीं कर सकते। हिमाचल एक बार नहीं गए राहुल गांधी, इसलिए कि वहाँ भी नहीं कर सकते, वो नहीं आ रहे हैं। सवाल पूछेगी जनता, सवाल पूछेगी इसलिए। अरे वो नहीं आ रहे हैं तो बीजेपी को उनकी याद इतनी क्यों आ रही है? क्यों नहीं आएगी? राहुल गांधी जी का जिक्र करते हैं, नए अध्यक्ष बन गए मल्लिकार्जुन खड़गे। जनता का कोई अवेयरनेस होना चाहिए कि जो व्यक्ति चुनाव के समय जनता की समस्या नहीं सुन सकता, जो जनता के सामने अपने काम नहीं बता सकता, वो व्यक्ति क्या जनता के बीच में से वोट मांगता है? अध्यक्ष मैं याद दिला दूं आपको, मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष मैं याद दिला दूं आपको, वो गुजरात में है, उन्होंने ही बयान दिया जिससे आपकी राह आसान हो गई है। खैर रावल जी, ये दूरी क्यों है गुजरात चुनाव से? भारत आप जोड़ेंगे गुजरात में, गुजरात क्या देश का हिस्सा नहीं है? गुजरात को जोड़ने की जरूरत नहीं है? आप ही ने बताया कि गुजरात के लोग डरे हुए हैं, तो यहाँ तो सबसे ज्यादा जरूरत थी भारत जोड़ो यात्रा की। पहले इनकी बातों का जवाब देना जरूरी है। वो कुछ कागज में लेके आए थे कि पहले 13 यूनिवर्सिटी बनी, अभी 115 है। भाई जो भी है ना, वो अपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी बनाई हुई है, कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फी वाली नहीं बनाई हुई है। आपने 9 मेडिकल कॉलेज की 8 मेडिकल कॉलेज की बात की, वो 8 मेडिकल कॉलेज के बाद एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बना था, वो गवर्नमेंट का था, वो भी अदानी जी को भूज में दे दिया गया है। बाकी सभी मेडिकल कॉलेज है वो सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। आपने यहाँ पे सिर्फ बच्चों को बेरोजगारी दी हुई है। अब बात करते हैं आपकी बात की, आप क्या बता रहे हो? आपने ये बोला है, अभी आपने बोला कि राहुल गांधी फरार है, ये जो वर्ड है ये मैं आपत्ति अभी भी जता रहा हूँ कि ऐसा वर्ड्स बोलने से आपको परहेज रखना चाहिए। राहुल गांधी जी यहाँ पे अभी 3 दिन पहले भी 4 दिन पहले भी आके 2 सभा करके गए, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे अभी भी सभा कर रहे हैं, हमारे पूरे नेता जो है, हमारे गुजरात के जो प्रेसिडेंट है, सब लोग गाँव घूम रहे हैं। हम लोग ये जो भी बातें करते हैं, हम गुजरात के जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पर हम कायम रहते हैं। हम इनकी बातें ना जनता सुनती ना और कोई लोग, इनके घर वाले भी नहीं सुनते। 27 साल का शासन है, आपने कहा 27 साल का शासन एकदम फेल शासन है, आपने कहा यहाँ की जनता डरी हुई है, शब्द का इस्तेमाल आपने किया। भारत जोड़ने का मकसद ये है कि नफरत फैल रही है इस देश में, राहुल गांधी कहते हैं, तो क्यों गुजरात में क्यों नहीं आ रहे? आइए ना गुजरात में करिए भारत जोड़ो यात्रा। गुजरात में हमारा ध्यान जो है वो इलेक्शन पे नहीं है, भारत जोड़ने पे सबसे पहली बात प्रायोरिटी है, वो भारत जोड़ने की बात है, इलेक्शन की बात नहीं है। अरे आप तो हंसोगे, प्रायोरिटी। और दूसरी बात, इन्होंने मेघा पाटकर का बोला, इनको मालूम नहीं है कि आमिर खान ने भी नर्मदा योजना का विरोध किया था। वही आमिर खान के साथ मोदी जी हर 6 महीने फोटो लगा देते, वो भी साथ में आ जाते, तो क्या किसी के साथ में खड़े रहने से उनके विचारों के साथ कोई सहमत होता है? ये वही मेघा पाटकर है, हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको यहाँ से खदेड़ा था, अभी भी उनके ऊपर केस चल रहा है। अगर ये नर्मदा योजना का समर्थन करते तो हमारे कार्यकर्ताओं का केस वापस ले। कार्यकर्ताओं का केस वापस ले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।